सो हेलो आर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले कैपेसिटर्स के बारे में। तो यार जैसे कि आपको बताऊँ, कैपेसिटर जो है हमको मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया हमारे, तो आप जाकर बना सकते हो। अभी तो मैंने वो जो हमारा चार्जिंग का रहता है वो कैसे बनाते हैं वो नहीं बताया, लेकिन बताऊँगा मैं अगली वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने बनाया है, ये है हमारे कैपेसिटर्स के ऊपर। तो कैपेसिटर्स इसमें कैसे लगते हैं तो आपको मैं पूरा बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये कैपेसिटर क्या होता है, तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब कैपेसिटर्स है। और कैपेसिटर्स अलग अलग टाइप के रहते, तो कोई ऐसे सिलेंड्रिकल रहते, कोई ऐसे चिपटे रहते, तो वो अलग अलग टाइप के रहते। लेकिन हम आज सिर्फ सिलेंड्रिकल के बारे में बात करने वाले। तो आपको बता दूँ कैपेसिटर क्या होता है। तो वॉट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने अंदर कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो है वो छोड़ देता है। मतलब बैटरी की तरह जब तक हम निकालते नहीं तब तक नहीं रहता हो। तो फिर क्या आता है, जब हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है हमारे उस चार्जर से हम उसके अंदर भरते हैं एनर्जी। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं जो नेल से इस आयन के ऊपर टच करूँगा तो बहुत बड़ी स्पार्किंग होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ आने की वजह से बहुत बड़ा स्पार्किंग हो जाता है। जैसे आपके घर में होता होगा, टर्मिनल अगर जुड़ गए तो स्पार्किंग होती है और बोर्ड वगैरह जल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कम स्पार्किंग होती है, इसलिए कुछ जलता नहीं है या फिर कुछ होता नहीं है। तो आपको बता दूँ कैपेसिटर दो टाइप के रहते हैं, इनमें से पहला टाइप है पोलराइज्ड कैपेसिटर और दूसरा टाइप है अनपोलराइज्ड। तो आपको पता तो ये जो इमेज में ये है पोलराइज्ड, और अब ये जो इमेज में ये है हमारा नॉन पोलराइज्ड। तो ये जो सिलेंड्रिकल रहते हैं वो पोलराइज्ड रहते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल जो रहते हैं उसका क्या रहता है, हमको पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल सिलेंड्रिकल का हमको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हम उल्टा करेंगे तो वर्किंग नहीं करेंगे। तो आपको पहले बता दूँ कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो मैंने बताया हुआ अगर आप घर पे बनाओगे तो तब आपको सिर्फ एक ख्याल रखना है कि आप पॉजिटिव का पॉजिटिव को ही लगाएं और नेगेटिव का नेगेटिव को ही लगाएं। अगर आप उल्टा वगैरह लगा दोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो नॉन पोलराइज्ड, तो इसमें एक ऐसे रहते हैं उसका टर्मिनल्स का कोई भी मतलब दिक्कत नहीं रहती, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगा सकते हो। तो ये नॉन पोलराइज रहता है। तो आज पोलराइज के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूँ पोलराइज कैपेसिटर जो रहता है वो हम अब कैसे लगाए इस डिवाइस में। तो इस डिवाइस को बनाने के लिए पोलराइज कैपेसिटर कैसे लगाएं, तो पोलराइज कैपेसिटर कैसा रहता है, हमको पैरेलल या फिर सीरीज दो तरह में हम लगा सकते हैं। तो अगर हम पैरेलल में लगाओगे, तो पहले हम बात करेंगे सीरीज की। तो अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट जो है वो ऐड नहीं होता, वो जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बिग स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्किंग इतनी होगी जितनी एक सिंगल कैपेसिटर से होगी। तो इसलिए आपको जो है वो सीरीज में नहीं लगाने। और अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्ट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। मतलब पहले कैपेसिटर का 450, फिर दूसरे का 450, तो हो जाएंगे 900। अगर हम सीरीज में बात करेंगे तो 450 और 450 जो है वो 450 रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। और अगर हम पैरेलल लगाएंगे तो फिर कांस्टेंट नहीं रहता, वो ऐड होते रहता है जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे पैरेलल में। तो उसका जो एनर्जी है ज़्यादा स्टोर करने की फिर वो कैपेसिटी रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन करेंगे दोनों के, तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए ज़्यादा एनर्जी जो है एक साथ बाहर निकलेंगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पैरेलल में कैसे, मतलब पैरेलल में जोड़ना है कैपेसिटर को। अगर आपको नहीं पता पैरेलल में कैसे जोड़ते, तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये जो है मैंने जो है पैरेलल के सीरीज की जो है पैरेलल के जो सर्किट के वो डायग्राम आपको दे रखी है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पैरेलल में कैसे जोड़े, तो आप वो वीडियो आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे कि कैपेसिटर जो है कैसे बनता है। तो कैपेसिटर जो है टू मेटल प्लेट से बनता है, और टू मेटल प्लेट जो है वो सेपरेट की जाती है डाई इलेक्ट्रिक से। जैसे आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर ए बी और सी डी, ए जो है टू मेटल प्लेट है, और उनके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा मैंने पेंसिल से शेड किया हुआ है वो जो पार्ट है वो है डाई इलेक्ट्रिक। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पॉजिटिव है और ये जो निगेटिव है, मतलब ए बी पॉजिटिव है और सी डी प्लेट निगेटिव है। तो वो जो है हमने बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ज्वाइन किया, जिसकी वजह से ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर की डायग्राम है, तो इसलिए हमको जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव करना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ कि
कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट एंड दे आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। तो वो जो पार्ट रहता है उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और कैपेसिटर्स की जो मतलब पावर होती है वो उस पार्ट के लेंथ के और डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। सो अब हम बात करते हैं मैंने जो डिवाइस बनाया उसके बारे में। तो ये डिवाइस में क्या होता है, जब हम पैरेलल में एडजॉइन करते हैं चार कैपेसिटर्स को, तो ईच 450 वोल्ट एंड 4.7 माइक्रो फैराडे की पावर के रहते, तो 450 वोल्ट्स जो है वो टोटल ऐड होकर हो जाते हैं हमारे 1800 वोल्ट्स। तो वो जो हमारा स्पार्किंग रहता है तो 1800 वोल्ट्स का रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही बार को करने को मिलेगा और वो सारी पावर जो है बैटरी से खींच लेगा। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं, चार से लेने चार, और अगर आप 250 वोल्ट्स के लेते हैं तो आप स्विच साथ ले सकते हो। तो हम बात करेंगे कि मेरे डिवाइस की, तो वो जो चार पैरेलल में जॉइन करके रखे और वो जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बचते लास्ट वाले के, उसके मैंने जो नेल्स लगा दिए हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जब आप बॉक्स में फिट करते हो तो कुछ ऐसी मतलब साइन रख देना जिसकी वजह से आपको पता चल सके पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो आप कुछ भी आपके हिसाब से साइन रख सकते हैं, या फिर बॉक्स के ऊपर मार्कर से वगैरह लिख सकते, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर ये क्या रहता है, मैं जब उस चार्जर को मतलब वो जो मेरा टेजर है एक स्मॉल, तो जब मैं उसको ज्वाइन करता हूँ तो फिर क्या होता है, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो सभी जो है कैपेसिटर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हम जब उसको निकाल देते, ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्ब होने की, ये मतलब एक और डेढ़ मिनट में हो जाता है। तो आपको ज़्यादा देर उसको टच करके नहीं रखना पड़ता, एक और मिनट में वो सब हो जाता है। तो आपको जो है सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लगाएं, फिर ये वर्क करेगा। अगर आप उल्टा लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने लगाया और जब हम निकाल देते हैं और हम जो है उसे वो उस दो नेल्स जो है वो किसी आयन के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे डिवाइस के ऊपर मतलब उसके टच करते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, तो स्पार्किंग होती है हमारी 1800 वोल्ट की। तो अगर आपको अगर ज़्यादा स्पार्किंग चाहिए तो उसके ऊपर मैं आपको एक मतलब सर्किट बताऊँगा। तो वो सर्किट के लिए जो है हमें कैपेसिटर लगेंगे, लेकिन नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगेंगे उसके लिए, और साथ ही में डायोड्स वगैरह भी लगेंगे। तो उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।